हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, क्या आप लोग को पता है कि मैं फ़ोटो कुछ इस टाइप से कैसे एडिट कर लेता हूं, वो भी कितना अच्छे से और HD क्वालिटी में, जो कि आप सब देख सकते हो सेट वाला फ़ोटो है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग भी एडिट करके और अपलोड करके इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो, जैसे हम कमाते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा कि ऐसे फ़ोटो एडिटिंग कैसे करोगे आप लोग। तो गाइस, मेरा बैकग्राउंड आवाज़ कुछ ज़्यादा आएगा क्योंकि मैं घर पे हूँ, इसलिए तो सॉरी इसके लिए। बट आप लोग कंटिन्यू फोकस कीजिए, वीडियो देखिए दोस्तों, ताकि आप लोग भी ऐसे एडिटिंग जल्दी से सीख लो। और मैं जो भी ऐप का नेम बताऊंगा उसको आप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा तो गूगल पर ज़रूर मिल जाता है। तो फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरा यही फ़ोटो है जो कि आप लोग देखे थे एडिट वाला, ये ओरिजिनल फ़ोटो है। तो मैं इसको सिंपली शेयर कर लेता हूँ LR एप्लीकेशन में, जो कि आप लोग को पता ही होगा। मैं जिस भी ऐप का बताते जाऊँगा नाम, आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक वगैरह नहीं दे पाता हूँ दोस्तों, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, तो कैसे मैं कर पाऊँगा। तो मैं इतना बस चाहता हूँ कि आप लोग भी वीडियो बना सकते हो और फोटो एडिटिंग भी कर सकते हो और यूट्यूब पर अपलोड करके पैसे कमा सकते हो। तो गाइस, मैं इसको सिंपली शेयर कर लेता हूँ LR एप्लीकेशन में, जो कि आप सब स्क्रीन पे मेरे देख सकते हो। यही है मेरा LR एप्लीकेशन, जो कि Add to LR। तो गाइस, हम अपना फ़ोटो को LR एप्लीकेशन में ला लिया हूँ। उसके बाद से एडिट वाले ऑप्शन में आना, एडिट वाले ऑप्शन में आने के बाद से लाइट वाले ऑप्शन में आके जैसे जैसे मैं टूल्स पे क्लिक करूंगा, वैसे वैसे आप लोग को भी क्लिक करके अपना फ़ोटो एडिट करना है। तो आप लोग एक एक स्टेप देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, इसको बैक कर लेते हैं करीबन इतना, उसके बाद से हाईलाइट को पूरा कम रहेगा, शेडो इतना रहेगा, विटनेस कम रहेगा, ब्लैक कम रहेगा। तो इतना करने के बाद से दोस्तों, अब आप लोग को कलर वाले ऑप्शन में आना है, जैसे कि आप लोग को कलर करना है। तो कलर करने का बहुत तरीका है, तो सिंपली मैं ऐसे ही कलर करता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो मैं इतना कर लिया हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद से आप लोग को मिक्स टूल पे जाना है। मिक्स टूल पे जाने के बाद से इसको भी कम रखना है, इसको भी कम रखना है, इसको भी कम रखना है, और उसके बाद से इसको भी कम रखना है, इसको भी बैक, इसको भी बैक। तो इतना करने के बाद से अब आप लोग को इस वाले ऑप्शन में आना है, और इसमें आने के बाद से दोस्तों लुमिनेंस को इंक्रीज करना है फेस वाइट करने के लिए, उसके बाद से सैचुरेशन को भी। और इतना करने के बाद से दोस्तों फ़ोटो पे डन कर देना है। तो उसके बाद से इस पे आना है इफेक्ट पे, इस इफेक्ट पे आने के बाद से जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे कर लेना है आप लोग को। तो आप लोग देख सकते हो, इतना करने के बाद से इसमें आना है डिटेल्स में, और अमाउंट को कर लेना है इतना करीबन इतना। उसके बाद से ओपेसिटी पे दोनों क्लिक रहेगा। अब आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो दोस्तों सिंपली इसको शेयर कर लेते हैं अब। ऑटो स्केच एप्लीकेशन में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने। तो गाइस, मैं शेयर कर लिया हूँ ऑटो स्केच एप्लीकेशन में, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आप लोग को भी देख के कर लेना है। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग भी एडिटिंग सीख के और पैसे कमाओ। तो डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे और इस नीचे वाले लेयर को लॉक करके सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद से जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं दो ही ब्रश यूज करता हूँ, हर बार बताता हूँ, एक ये और एक ये, दोनों ब्रश से मैं एडिट करता हूँ। तो सिंपल मैं इस ब्रश पे क्लिक करता हूँ सॉफ्ट इरेजर पे, और उसके बाद से आप लोग मेरा सेटिंग देख सकते हो। नहीं समझ में आया तो स्क्रीन शॉट मार के और आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको कट करेंगे सिंपली, हम स्मूथ करने अपने फेस पे स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को पूरा वीडियो चाहिए स्मूथ का, फेस स्मूथ का, तो हम वीडियो दे देंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों प्लीज़, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, कम से कम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँ। और मेरा एक ब्लॉग का भी चैनल है, जिसका मैं अपने चैनल के नीचे लिंक दिया हूँ, उस पर भी जाके आप लोग
सब्सक्राइब कर सकते हो और उसमें न्यू न्यू ब्लॉग देखने को मिलेगा। अभी तो मैं उस पर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, और जैसे ही टाइम मिलना चालू हो जाएगा वैसे मैं वीडियो डालूँगा उस पर भी। दोस्तों कुछ वीडियो मैं डाला हूँ और आप लोग जाके देख सकते हो। मैं इस पर तो कंटिन्यू वीडियो डालता हूँ एडिटिंग से रिलेटेड। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, आप लोग फॉलो कर सकते हो, नीरज एडिटर 8423, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो मैं स्मूथ करने के बाद से मिलते हैं। तो गाइस मेरा सिंपली फेस स्मूथ हो गया है और मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। और मैं अपना पीएनजी जो भी होता है दोस्तों मैं वीडियो को लिंक में डाल देता हूँ, और 90% दोस्तों मैं चांस रहता है वीडियो का लिंक में डालने का, एक ही परसेंट नहीं रहता है कि मैं नहीं डाल पाता हूँ अपना पीएनजी का लिंक। तो कोई बात नहीं, आप लोग पिक्सआर्ट में जाके और स्टिकर वाले ऑप्शन में जाके वहाँ सर्च मार लीजिएगा दिल वाला, और वहाँ लिख के आप लोग वहाँ लगा सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसको अनलॉक करके मर्ज ऑल कर देना है, सॉरी अनलॉक करके मर्ज ऑल कर दीजिएगा। मर्ज ऑल करने के बाद से इसको शेयर कर लेना आप लोग को स्नैपसीड एप्लीकेशन में, जो कि ब्लर भी करना है। दोस्तों ब्लर करने का बहुत तरीका है, तो मैं आप लोग को बता दूँगा ब्लर कैसे कैसे होता है, और आप लोग कर लीजिएगा वैसे वैसे ब्लर, ठीक है। तो मैं इस वाले लेंस ब्लर में आएंगे, उसके बाद से जैसे मैं करूंगा वैसे आप लोगों को कर लेना है। तो देखिए आप लोग ऐसे ब्लर कर लेना और सेव कर लेना इसको। सेव करने के बाद से दोस्तों हम अपना फोटो ब्लर कर लेते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हो वीडियो में कैसे मैं ब्लर कर रहा हूँ। तो ब्लर करने के बाद से दोस्तों हम मिलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे कि भाई बहुत जल्दी वीडियो बना के सिखा देते हो और इसमें बहुत लंबा कर दिया हो, तो मैं ब्लर करके बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कितना इजीली, वो भी परफेक्ट तरीके से मेरा फेस जो है बैकग्राउंड है जो ब्लर हो गया है, कितना ख़तरनाक लग रहा है फ़ोटो। तो इसको एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद से हम पीएनजी लेंगे, जो कि दिल वाला पीएनजी है, आप लोग को बोले हैं वहाँ पे मिल जाएगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। नहीं तो मैं 80% चांस है कि वीडियो में रहेगा, 20% चांस है कि नहीं रहेगा दोस्तों। तो मैं अपना पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो यही है मेरा पीएनजी, जो कि मैं अपना एडजस्ट कर लूँगा, तो आप लोग को एडजस्ट कर लेना जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैं करीबन इतना पे एडजस्ट किया था, इधर उधर हो जाता है दोस्तों क्योंकि मुझे फिर उसी फ़ोटो को एडिट करके आप लोग को बताना होता है, तो इससे कोई बात नहीं। तो इसको सेव करके फिर से पीएनजी को मर्ज ऑल करके फ़ोटो सेव कर लेंगे गैलरी में। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और दोस्तों सपोर्ट नहीं आ रहा क्योंकि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट ही हमारा सबसे बड़ी अहमियत है मेहनत का। तो दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए।